हेलो फ्रेंड्स, आम का सीज़न चला जाएगा पर आपके पास ये मैंगो क्रश आप कभी भी बना सकते हैं, आम हो या फिर ना हो। बहुत ही इजी टेस्टी आप इस रेसिपी को चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्राउनी किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्मूथ बना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम डबल बॉयलर में अमूल क्रीम, मैंने मेजर करके 30 ग्राम अमूल क्रीम लिया है। अगर ये फ्रिज में ठंडी हो तो उसको बाहर निकाल ले रूम टेम्परेचर पे, और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। और थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें मैंने मेजर करके 90 ग्राम मिलाया है वाइट कंपाउंड। क्रीम जब हल्की सी गर्म हो जाती है तो चॉकलेट बहुत ईजिली उसमें मेल्ट हो जाएगा। अगर आप ठंडी चॉकलेट और ठंडी जो क्रीम है वो और चॉकलेट एक साथ मेल्ट करेंगे तो आपके जो गनाश है उसमें लम्स आ जाएंगे, स्मूथनेस तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी फिनिशिंग वाली, और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा वो, ना दिखने में और ना ही टेस्ट में। तो इसलिए आप क्रीम को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, उंगली से टच करके आप देख सकते हैं, उसके बाद चॉकलेट मिलाएं। तो यहाँ पर देखिए क्रीम गर्म थी तो चॉकलेट को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मैंगो क्रश। अगर आपके पास मैंगो क्रश ना हो या फिर अभी सीज़न है गर्मी का तो आप प्योर मैंगो की प्यूरी भी बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच लिया है मैंगो क्रश, इसको मिलाएंगे हम। और साथ ही इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा मैंगो का फ्लेवर आने के लिए, मतलब थोड़ा सा होता है ना येलो येलो दिखेगा तो लगेगा कि मैंगो का ही है, तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करेंगे। इसमें आप लिक्विड या जेल कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करें। जो वाइट चॉकलेट है वो बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं होती है, कि इसमें आपको चॉकलेट के जैसे चंक्स नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम छान के यूज़ करेंगे। अगर मतलब बन गया तो इसका मतलब नहीं कि आपका गनाश रेडी हो गया है। इसको आप छन्नी में डाल के एक दूसरे बाउल में छान लें। जब इसको हम चम्मच से प्रेस करके और गनाश को इससे मिक्स करेंगे और जो छनेगा, तो जो भी चॉकलेट के थोड़े बहुत पार्ट्स होंगे वो भी अच्छे से उसमें मिक्स होके, थोड़े से क्रश होके वो नीचे मिक्स हो जाएंगे। फिर आप इसकी चाहे तो पाइपिंग करें, तो आपके जो बैग में बिल्कुल भी चॉकलेट का ये क्रीम का जो गनाश है ये रुकेगा नहीं, वरना बीच बीच में आपके हो सकते हैं चॉकलेट के पार्ट्स आ जाएंगे और आपका गनाश फ्लुएंसी में निकलेगा नहीं, उसका फ्लो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा गनाश बनके रेडी है, आप देख सकते हैं इसमें अभी से वैसे इतनी शाइनिंग है, पर अगर आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा शाइनिंग चाहिए, एक्स्ट्रा ग्लेज चाहिए, तो आप इसमें न्यूट्रल ग्लेज जेल मिला सकते हैं। तो इस गनाश को आप यूज़ करें किसी भी केक में, ब्राउनी में, आइसक्रीम में। तो इस रेसिपी को कभी ट्राई करना ना भूलें। यहाँ मैंने मैंगो क्रश यूज़ किया है तो इसके लिए आपको सीज़न जाने के बाद भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।